कोकोवा के छिलकों से बने बायोचार से कमजोर हो चुकी मिट्टी को दोबारा ताकतवर बनाना, ग्रीन और भविष्य में मुनाफे वाला बिजनेस। इको नेक्स्ट में हमारा ये मानना है कि पौधा आधारित कोयला कारोबार अरबों का होगा। पर क्या ये इतना आसान है? एक दिन जर्मन उद्यमी फेलिक्स एर्टल और उनके डेनिश दोस्त पेइक स्टेनलुंड को एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने कोकोवा उद्योग के कचरे से बायोचार बनाने का फैसला किया। ये पारंपरिक चारकोल से मिलता जुलता उत्पाद है, लेकिन ये ज्यादा शुद्ध है। तो बायोचार मिट्टी में एक तरह का ढांचा बनाता है। इसमें बहुत छिद्र होते हैं जो स्पंज की तरह काम करते हैं। ये पानी और पोषक तत्वों को सोख लेता है और फिर पौधे को इस बायोचार से पोषक तत्व मिल जाते हैं। वे इस चारकोल को इको फ्रेंडली उत्पाद की तरह पेश कर रहे हैं। चॉकलेट उद्योग हर साल करीब 5,00,000 टन कचरा पैदा करता है। औद्योगिक देशों में कोकोवा के छिलके या तो जला दिए जाते हैं या फिर बायोगैस प्लांट में उनकी खाद बना ली जाती है। अक्सर इन प्रक्रियाओं से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मीथेन गैस निकलती है। इस प्लांट की मदद से हम हर साल पर्यावरण से करीब 8,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हटा रहे हैं और ये इस नए चारकोल में संचित हो रहा है। हमारी कोशिश इस आंकड़े को 1,00,000 टन तक ले जाने की है। हम इस योजना को पूरा करने में जुटे हुए हैं। और इसके लिए कंपनी के संस्थापकों को चाहिए लाखों यूरो का निवेश। वे निवेशकों से मिल रहे हैं। जाबरीना शुल्स स्टार्टअप में निवेश करने वाली कंपनी की प्रमुख हैं। जब आप व्यापारिक निवेश करते हैं तो आप एक तरह से दाव लगा रहे होते हैं। हम दाव लगा रहे हैं कि पर्यावरण से जुड़ी तकनीकें भविष्य में फायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े नियम और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़े कानून सख्त होते जा रहे हैं। यानी सबका फायदा, चॉकलेट उद्योग का भी, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र का भी। यूरोप में बायोचार टेस्ट हो रहा है, उत्तरी जर्मनी में बड़े स्तर पर ट्रायल चल रहे हैं। मकसद है बेदम हो चुकी मिट्टी से उपजाऊ हुमस बनाना। नया चारकोल करीब 10 सेंटीमीटर तक की गहराई में काम करता है। शुरुआत में थोड़े से नकारात्मक असर देख सकते हैं, क्योंकि नया चारकोल मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों को बांध देगा और हमें अभी नहीं पता है कि ये कैसे पोषक तत्वों को फिर से छोड़ेगा। क्या ये पदार्थ इतनी अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं कि पौधा भी इन्हें नहीं सोख पाता, या फिर नया चारकोल पोषक तत्वों को इस तरह से बचाता है कि वे बाहर न निकल जाएं? और 600 यूरो प्रति टन के दाम पर ये कोकोवा शेल चारकोल आम खाद के मुकाबले काफी महंगा है। यानी ये वाकई लंबा निवेश है।